이랬잖아요. बढ़ाई आगे बढ़ाई रिकॉर्डिंग आप लोग देखते तो है नहीं कि क्या हुआ है आदमी को, इतना दिक्कत है आप क्या समझते हैं, बट आप लोग तो समझते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम अपने कमाई के पैसा मांग रहे हैं, हम किसी और के पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम अपने पार्टनर सैलरी मांग रहे हैं। पड़ा हुआ है, बताइए इस तरह से टॉर्चर किया जाता है? हाँ, टॉर्चर इस तरह से किया जाता है? तीन दिन से, चार दिन, महीना दिन से तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। बोल दिया कि भाई नहीं फ्लो हो रहा ब्लड के, नीचे फ्लो नहीं हो रहा, तीन महीना लगेगा, लगेगा तब हम कहाँ से करें ऊपर वाले फ्लो? हो गया लंग इन्फेक्शन, नहीं फ्लो हो रहा ब्लड के लोअर पार्ट में, ठीक है थोड़ा देर खड़ा हो लेते, मान लीजिए बाथरूम गए साथ गए, थोड़ा देर खड़ा हो लिए 10 मिनट, ठीक है नहीं हो सकते। नहीं, हम आज तो ये क्लोज करवा के जाएंगे, आज देखते हैं कि कैसे तुम आज जबरदस्ती का तंग किया जा रहा है, जबरदस्ती का मेरे
खिलाफ चार्जेस लगाया जा रहा है जान बुझ करके, ये एटीएम ये एचआरडी का मैनेजर जान बुझ के चार्जेस मेरा तनख्वाह रोक दिया जा रहा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मेरा पूरा सैलरी काट देगी, जो क्यों किया जा रहा है मेरे साथ ऐसा, क्यों किया जा रहा है मेरे साथ? आराम से आराम से आराम से आराम से हम अच्छा प्यार से कह रहे हैं, ये 3 महीना हो गया ठीक है, कुछ पैसा काट लीजिए दे दीजिए, मेरा भी फैमिली अपना चलेगा। अरे जब हम काम नहीं कर रहे थे हम पैसा मांगने आए क्या? हमने कहा ना कि भाई छोड़ दो, हमको नहीं काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, भिखारी ऑर्गेनाइजेशन में भिखारी है साले, औकात बताने वो कौन सी वो औकात बता रही थी कि मेरा ये है वो है, लेकिन आप थोड़ा कूल रही है, क्यों हमको तंग किया जा रहा है, हमको क्यों तंग किया जा रहा है, खत्म करें चार्जेस, हमने कहा कि ना गलत है मेरे ऊपर, अगर अगर हम रिजाइन मेरा एक्सेप्ट होता ये चार्ज नहीं लगता। पापा पापा।